किन महिलाओं ने दिल्ली में दर्ज की जीत, ये भी आपको बताते हैं। अब नया पड़ाव क्या कहता है, देखिए 2004 से 2019 तक 4 लोकसभा चुनावों में दिल्ली में 603 मुकाबले हुए। महिलाओं के लिए यहाँ पर क्या कुछ हुआ है और दिल्ली में कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो संसद तक पहुंची हैं, आज उसी का जिक्र करूंगी। भारत एट 9 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। कल दिल्ली में लोकसभा का चुनाव होना है, छठा चरण है, दिल्ली की 7 सीटों पर कल मतदान शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिल्ली देश की राजधानी, महिलाओं को यहाँ पर कितना विकास मिला है, महिलाओं के लिए यहाँ पर क्या कुछ हुआ है और दिल्ली में कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो संसद तक पहुंची हैं, आज उसी का जिक्र करूंगी। लोकसभा में जो महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात आती है तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से निराशाजनक तस्वीर उभर कर सामने आती है। 1962 के बाद से दिल्ली की तमाम सीटों से 106 संसदीय प्रतियोगिताओं में केवल 12 महिला उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। अगर ये हिस्सा प्रतिशत में देखा जाए तो इसका आंकड़ा 11.3% है। किन महिलाओं ने दिल्ली में दर्ज की जीत, ये भी आपको बताते हैं। साल 1952 के बाद से दिल्ली की लोकसभा सीटों में से केवल 9 महिलाएं लोकसभा सांसद रही हैं। कांग्रेस पार्टी की सुचेता कृपलानी दिल्ली की पहली महिला सांसद बनी थी। उन्होंने 1952 और 1957 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की। कृपलानी 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद दिल्ली को अगली महिला सांसद पाने के लिए 9 सालों का इंतजार करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी की सुभद्रा जोशी चांदनी चौक से और मुकुल बनर्जी नई दिल्ली से 1971 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करती हुई नजर आई। ये पहली बार था जब दिल्ली में 2 महिला सांसद चुनी गई। ये उपलब्धि 1996-1998 में दोहराई गई जब मीरा कुमार और सुषमा स्वराज सांसद चुनी गई। लोकसभा चुनाव 2024 चरण छठा, बराबरी का लंबा सफर, दिल्ली से महिला सांसद, दिल्ली लोकसभा। लोकसभा में दिल्ली की महिला राजनेताओं के आंकड़ों का विश्लेषण। 1962 के बाद से दिल्ली की लोकसभा सीटों पर 11.3% विजेता महिलाएं। 1971 में अब तक कांग्रेस से 7 और बीजेपी से 5 महिलाएं सांसद बनी। करोल बाग लोकसभा सीट से, जो कि अब अस्तित्व में नहीं है, 5 बार महिला सांसद चुनी गई। और 2004 से 2019 तक दिल्ली में लोकसभा चुनाव जीतने वाली महिला उम्मीदवारों का स्ट्राइक रेट 6.45% रहा। 1962, 1967, 1977, 1989 और 1991 में एक भी महिला सांसद नहीं चुनी गई। 2024 में बीजेपी से 2 महिला उम्मीदवार, लेकिन इंडिया ब्लॉक से एक भी नहीं है। साल 1971 के बाद से दिल्ली के 7 निर्वाचन क्षेत्रों में से करोल बाग, जो कि अब नहीं है, सीट का 4 महिलाओं सुंदरवती नवल प्रभाकर, मीरा कुमार, अनीता आर्य, कृष्णा तीरथ ने 5 बार प्रतिनिधित्व किया है। ये एक अनुसूचित जाति आरक्षित सीट थी। नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व 1971 में मुकुल बनर्जी और 2014 और 2019 में मीनाक्षी लेखी ने किया था। दक्षिणी दिल्ली का प्रतिनिधित्व सुषमा स्वराज ने 1996-1998 में 2 बार किया था। सुभद्रा जोशी ने 1971 में चांदनी चौक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और कृष्णा तीरथ ने 2009 में उत्तर पश्चिमी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। दिल्ली की महिला सांसदों का इतिहास क्या है? गौर करने वाली बात यह है कि साल 1952 के बाद से जब भी महिलाओं ने दिल्ली की सीटें जीती हैं, उन्होंने कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व किया है। कांग्रेस से महिला उम्मीदवारों ने 7 बार और बीजेपी से महिला उम्मीदवारों ने 5 बार चुनावों में जीत दर्ज की। बीजेपी की सुषमा स्वराज दिल्ली से लोकसभा सीट जीतने वाली पहली महिला गैर कांग्रेसी बनी। 5 महिलाओं ने दिल्ली में अपना लोकसभा कार्यकाल दोहराया। इस लिस्ट में सुचेता कृपलानी कांग्रेस, सुषमा स्वराज बीजेपी, मीरा कुमार कांग्रेस, मीनाक्षी लेखी भाजपा, कृष्णा तीरथ कांग्रेस का नाम शामिल है। दिल्ली से चुनाव लड़ने वाली सभी महिलाएं लोकसभा प्रत्याशियों में कांग्रेस की सुंदरवती नवल प्रभाकर की जीत का अंतर सबसे ज्यादा था। उन्होंने 1985 में करोल बाग से सुंदरपाल रथवे को 96,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। 1977, 1989 और 1991 के चुनावों में दिल्ली से कोई भी महिला उम्मीदवार संसद के लिए नहीं चुनी गई थी। अब नया पड़ाव क्या कहता है, देखिए 2004 से 2019 तक 4 लोकसभा चुनावों में दिल्ली में 603 मुकाबले हुए।
इनमें से 62 चुनावों में महिलाएं शामिल थी और केवल 4 में महिलाओं ने जीत हासिल की। ये केवल 6.45% की जीत दर्द है। इसे सत्यापित करने के लिए हमने भारत के चुनाव आयोग के डाटा का भी इस्तेमाल किया है। आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर बताया गया है और इसका इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा पिछले लोकसभा चुनाव 1962 से अब तक के डेटा से ये पूरी तरह से लेस था। इसे चुनाव परिणामों का विश्लेषण करने में मदद करने के लिए पूरी तरीके से बताया गया। पिछले 4 चुनावों में बीजेपी ने 5, कांग्रेस ने 4 और आम आदमी पार्टी ने 2 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। शिवसेना और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने केवल 1-1 महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा। अब विधानसभा चुनाव का जिक्र कर लेते हैं। लोकसभा चुनावों की तरह का पैटर्न विधानसभा चुनावों में भी देखा जा सकता है। हालांकि दिल्ली में भारत की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी। 1972 के बाद से दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मुकाबलों में 668 उम्मीदवारों में से केवल 50 महिलाएं जीती। साल 2000 के बाद से महिलाएं 27 बार दिल्ली से विधानसभा चुनाव जीत चुकी हैं। मौजूदा वक्त में दिल्ली में विधानसभा के 60 सदस्यों में से केवल 8 यानी कि 11.4% महिलाएं हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या समीकरण है? 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 2 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। नई दिल्ली लोकसभा सीट से सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज और पश्चिमी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से कमलजीत शेरावत। पश्चिमी दिल्ली सीट से अभी तक कोई भी महिला उम्मीदवार नहीं जीती है। इंडिया गुट ने दिल्ली में किसी भी महिला उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा है। तो ये कहीं ना कहीं निराशाजनक तस्वीर है कि दिल्ली जैसी जगह में भी 62 बार ऐसा हुआ है कि महिला सांसद जो है वो नहीं चुनी गई हैं। अब देखना ये है कि बीजेपी से जो 2 चेहरे उतारे हैं महिलाओं के, क्या उनको दिल्ली की जनता का वो प्यार मिल पाता है। एट 9 में आज के लिए इतना ही। कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।